इटावा में पीड़ित लड़की बेबी ने डॉक्टर सत्यप्रिय मानव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम का करीबी बताकर महिलाओं को मुख्यमंत्री से मिलाने का पीड़ितों को भरोसा दिलाता था। पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को न्याय दिलाने के नाम पर शोषण किया जाता है। दलित पैंथर के नाम पर कई महीनों से कचहरी परिसर में धरना चल रहा था, लेकिन आज हकीकत उस वक्त सामने आ गई जब पीड़ित लड़की को 20,000 रुपये न्याय दिलाने के नाम पर ठगी सामने आई। धरने के आड़ में महिलाओं के साथ शोषण किया जा रहा था। धरना के राष्ट्रीय संचालक डॉक्टर सत्यप्रिय मानव, जो कचहरी में गरीब लोग अपनी शिकायत लेकर डीएम ऑफिस अपने न्याय के लिए आते थे, वही भारतीय दलित पैंथर के नाम से धरना के रूप में बैठे लोग भोली भाली लड़कियों और महिलाओं को न्याय दिलाने के नाम से अपने जाल में फंसा लेते थे और रुपए लूटकर शोषण भी करते थे। मीडिया से भी दूर रहने की सलाह देते थे। कई महिलाओं के साथ शोषण भी किया गया और कई गरीबों से न्याय के नाम पर हजारों रुपए की लूट भी की गई, जिसका खुलासा पीड़ित लड़की बेबी ने किया। अब देखना होगा कि प्रशासनिक अधिकारी इसे धरना देने वालों पर कार्रवाई करेंगे या फिर इसी तरह लोगों के साथ शोषण होता रहेगा। बेबी का कहना है, अगर गहराई से इस मामले की जांच की जाए तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। ये बताइए, जिस तरीके से ये पैंथर दलित पैंथर के नाम से जो धरना आंदोलन जो चला रहे हैं, काफी दिनों से चला रहे हैं, तो लोगों को साथ जिस तरीके से लेकर लूटपाट कर रहे हैं, एक मतलब सहारा देने के नाम से पैसे लूटपाट करते हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में कुछ नहीं, हम तो कह रहे हैं इसकी मार लगानी चाहिए। इसको यहां खत्म किया जाए, इसको जेल जाना। ये लोगों को ठगता है, यहाँ सीधे साधे लोगों को यहाँ बैठाता है, लखनऊ ले जाता है और बस पैसे लेता है। उसके बाद में ये चलो नहीं नहीं रोज क्लाइंट लाता है, जब कोई नहीं नहीं। तो एक धरना के नाम से लोगों के साथ ठगी की जा रही, ठगी करता है मैं कहता हूँ। हाँ, और मड़ैया सम्मेलन में 7 दिसंबर को आग लगी थी, इतने उससे 35,000 रुपए लिए, उसे रुपए दिलाने के लिए, और 30-35 हजार उसने नगद इसको रुपए दिया, 1 रुपए की उसको सहायता नहीं मिली। यहाँ वो बैठा रहा 1 महीना भूख हड़ताल पे और यहाँ बैठा, अभी भी आज वो भाई साहब मरने की कगार पे, सभी मोहल्ले वालों ने उसको चंदा किया तब उसका इलाज कराया, 30-35 हजार रुपए वो खा गया। मानव नाम का जो व्यक्ति है तो लोगों को चूना लगा रहा है पैसों से। बेबी, क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या है कि सर हमारा यहाँ पे केस चल रहा है। अच्छा, किस मामले में केस चल रहा है? केस हमारे पति ने दूसरी लड़की को रख लिया है और हमें मुझे छोड़ दिया है। लगभग कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी? हमारी 2009 में हुई थी। 2009 में हुई थी। अब क्या मामला, जिस तरीके से आज जो आपने कचहरी में बैठी है, तो क्या समस्या आपके पास? हमारी समस्या ये है कि 2 महीने पहले मैं धरने पे आई थी, तो मैंने इनको अपनी समस्या बताई तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा, उस एप्लीकेशन कार्रवाई के लिए उन्होंने 20,000 रुपए हमसे लिए। किसने किसने? इन्होंने, क्या नाम है इनका? मानव जी। मानव जी ने लिए 20,000 रुपए लिए आपसे? जी, लखनऊ जाने के लिए कि तुम लखनऊ सीएम साहब से मिलवाएंगे। अच्छा। और वहाँ मुझे कुछ मिलवाया नहीं, एप्लीकेशन दे दिया, जाओ अंदर जाओ, हम बाहर बैठे रहेंगे और आप हमको सर शाम को मिलेंगे, हमें स्पेशल मिलते हैं सर, और इन्होंने हमको ये कहा। और उसके बाद हम लोगों को ट्रेन से भेज दिया और ये पता नहीं किस बस से क्या हुआ, उसके बाद फोन में कहते रहे 2 दिन हम और रुके, उसका खर्चा उसी में खर्च हो गया। लखनऊ में जी। तो इनका व्यक्तिगत पोस्ट क्या है जिनको आपने पैसा दिया है? ये यहाँ धरना देते हैं, यहाँ पे ये धरना देते हैं जी। नेताजी हैं क्या? हाँ, नेताजी हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं, हम 2 महीने से हम बहुत परेशान, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मैंने 3 जून को परीक्षा दी थी यूपीएससी की, अब मेरा मेंस में नंबर आने वाला है तो मेंस की मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आ नहीं पाई हूँ, इसलिए उन्होंने गाली गलौज बदतमीजी से बात की है और हमारे रिश्तेदारों से कहते लड़की ऐसी है वैसी है, बदतमीज है, बदल बदल के लड़कों को यहाँ लेके आती है। हमारी समस्या है कि समाज में मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है, अब हर तरीके के यहाँ लोग बैठते हैं, कहीं कहीं के आते कहीं कहीं के आते हैं, अब हमारा नाम ही ऐसे बेच रहे हैं, रुपये दूसरों पर ठग रहे हैं और रुपये हमसे बेच रहे हैं, नाम हमारा बेच रहा है। पुड़िया में बेबी ऐसी थी, उसको 10 लाख दबा दिया, यही अभी बैठे हैं, ये कह रहे थे अभी कि 10 लाख रुपए वो कौन दिए, 10 लाख रुपए दिए हैं। और मैंने कहा चाहे, और इनका एक मैटर जब कोई भी नया आता है तो इनका कहना है कि परिवार से जुड़िए, पहले जितना 100 की चाय पीवे, 200 आदमियों से चाय पिलवाते हैं, औरतें से कहते पकौड़ी लियाओ कचौड़ी लियाओ, वो यहाँ ये नाश्ता चलता है, औरतें बेचारी समझ नहीं पाती है। मैंने किसी के द्वारा इनके फोन करवाया कि ये आदमी है कैसा, तो उसने कहा कि आदमी मुझे एक औरत चाहिए, तो इसने कहा बताओ सर हम कैसी औरत भेजें, हमने ये जानना चाहा कि आदमी ये किस करेक्टर तक हद है इसकी। तो क्या जिस तरीके से आज यहाँ जो धरना प्रदर्शन लगाए बैठे हैं, तो एक दिखावा के रूप में बैठे हुए हैं ये लोग? जी, दिखावा के, इन लोगों को कोई भी न्याय मिलने वाला नहीं है, किसी से 10,000, किसी से 5,000, किसी से 20,000, इस तरीके से इन लोगों को लिए गए हैं
और एक औरत और आई थी, तो हम पहले नए नए आए थे, तो एक औरत ने मेरे सामने कह दिया था कि हम आते आते थक गए, पैसे भी खर्च हो गए और मेरे हाथ पैर भी टूट गए। तो इसने कहा कि टट्टी खाती हो क्या, ये तो बुद्धि नहीं है, इसलिए कि मेरे धरना का मतलब बेइज्जती करवाती हो, सब भाग जाएंगे। 3 महीने से मुझे परेशान कर रहे हैं फोन में, हर तरीके से उल्टा सीधा बोलते हैं। अब आप क्या क्या चाह रही हैं? हम ये चाह रहे हैं कि इन पर कार्रवाई की जो हमारे 20,000 रुपए लिए वो मेरे वापस दिए जाएं, और इस तरीके से महिलाओं को ब्लैकमेल किया जाता है, यहाँ का धरना बंद किया जाए, और खुद डीएम साहब एसपी साहब खुद आके जो पीड़ित लोग बैठे उनका विवरण देखे, क्या विवरण है, क्या उनकी समस्या है, या हुआ है या नहीं हुआ है, कहाँ बेचारी औरतें इनको कुछ पता नहीं है, लखनऊ में जाए कहीं भी कुछ भी। किस तरीके से लोगों के साथ अन्याय होता दिखाई दे रहा है। मैं एक मिलवाता हूँ एक ऐसी महिला से, एक ऐसी लड़की से, जिस तरीके से एक शोषण किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन के नाम पर यहाँ बैठकर कई महिलाओं कई लड़कियों के साथ में किस तरीके से शोषण किया जा रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए जिस तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं, जिस तरीके से धरना प्रदर्शन के नाम पर, तो एक मिनट शांत रहिए। देखिए जिस तरीके से आपके साथ एक शोषण किया गया है, तो एक धरना प्रदर्शन के नाम पर बैठ कर शोषण किया जा रहा है यहाँ लोगों के साथ में, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ये धरना है, कहना चाहते हैं ये धरना नहीं है, शोषण है, ये बैनर कुछ और लगा है, इसके आड़ में कुछ और हो रहा है, और औरतों के साथ में बहुत गलत काम किया जा रहा है। यहाँ औरतें बैठी बेचारी शिक्षित है जो नहीं समझ पा रही हैं, और वो औरतें बेचारी हर किसी के सामने अपनी बात नहीं कह पा रही हैं। हम कुछ सोच समझ के यहाँ आए कि मेरे साथ जो हुआ है और किसी लेडी साथ नहीं होना चाहिए। मैंने रिकॉर्ड देखा, मैं खुद इसलिए आई हूँ। और ये आदमी बहुत बदतमीज बात करता है और बोलता है कि वो बाद में कहता है वो शराब पिए है, उसको उसका माइंड अपसेट है। मेरा कहना है अगर माइंड अपसेट है तो मानव जी सतपुरी मानव जी तो अपने इसको घर ले जाए, अपनी औरत के लिए, अपनी बहू के लिए, या फिर इसको एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। अगर ये दिमाग से पागल है, बदतमीजी और किसी महिला के साथ बदतमीजी नहीं करेगा, दिमाग अगर खराब है तो इसको या तो उसके घर भेजना चाहिए, मानव जी अपने घर पर ले जाते जाए, या तो फिर उसको अच्छे हॉस्पिटल तो करेगा। देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक वट वृक्ष के नीचे जिस तरीके से महिलाओं के साथ में किस तरीके से प्रदर्शन के नाम पर यहाँ महिलाओं को बुलाकर अत्याचार होता है, किस तरीके की महिलाओं को फंसाकर बहला फुसला कर उनसे रुपए की भी लूट की जाती है। और मैं उनसे बात करता हूँ, देखिए जिस तरीके से मैं आपसे बात करता हूँ कि जो और कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं यहाँ पे। हम तो अभी 2 महीने से नए आए थे, पता नहीं धरना कब से चल रहा है, और ये तब तक छुपा हुआ मामला चल रहा है। हमने यहाँ 20 दिन बैठ के खुद ही सब कुछ देखा, ये कहता है मीडिया से मत मिलना, ये सबको बताया जाता है। यहाँ वही आदमी बैठ सकता है जो नाम दर्ज करे पीड़ित है, दूसरा आदमी भगा दिया जाता है, इसलिए वो रेस जान जाएगा। और बुड्ढा कहता है मेरे पे CBI का फोन आ रहा है, लोगों को यहाँ से लखनऊ के नाम से ले जाता है, लोग बस से वो जाते हैं ट्रेन से, ये बस से अकेला जाता है, जनरल बस से जाता हूँ, कहता मैं एसी बस से जाता हूँ और ऐसे जाता हूँ, और बोलता है लोगों से कि मैं VIP हूँ, मेरे CBI, हम वही UPSC तैयारी करें, हम समझते CBI का फोन इसके पास क्यों आएगा, या तो कोई बड़ा मैटर होगा जब CBI कोई पीछे लगेगी। देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये धरना प्रदर्शन के नाम पर किस तरीके से लोगों के साथ में इस तरीके गलत काम गलत व्यवहार किए जा रहे हैं, लोगों को बेला फुसला कर एक नौकरी के नाम पर या किसी के सहायता के नाम पर रुपए की किस तरीके से लूट की जा रही, क्या सरकार इस तरीके से ऐसे धरना प्रदर्शन पर आकर में लगाम लगा पाएगी, या इसी तरीके से महिलाएं और बच्चियां लड़कियां पीड़ित बनी रहेगी? अनिल कुमार, जो धरना प्रदर्शन पर इस तरीके से आप बैठे हो काफी दिनों से, तो जिस तरीके से लोगों के साथ लूटपाट की जा रही है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? लूटपाट के बारे में लोगों के हम ये नहीं जानते हैं, इन लोगों ने क्या पैसा दिया क्या नहीं दिया। बहरहाल हमारा जो है कंप्लेंट SSP को मैंने दी, और क्या नाम एक आवाज के लिए मैंने एक एक कागज दिया, और क्या नाम हरियन वो क्या नाम पीड़ित लोगों का कहना है जब मानव जी चले जाते हैं उसके बाद में आप ही संचालन धरने का करते हैं। सब लोग बैठे रहते हैं, बैठा था ही, हम बैठा रहेंगे, ये तो बैठा था भाई, सब क्या सबसे बड़ी बात आप आज पैदा ये भी सब लोग जितने पीड़ित लोग बैठे तो रहेंगे भाई, समझना था ना सहयोग देने की, जो लोगों के साथ में 20,000 रुपए की लूट की जा रही है, कोई बात नहीं है, हमारे सामने कोई बात ही नहीं है। ये महिला जो आप बगल में बैठी है ये कह रही हमसे 5,000 रुपए लिए गए हैं, तो किस वजह से रुपए लिए गए? पूछिए कि हमारे सामने दिए उन्होंने तो काय के नाम का बदनाम कर रहे हैं, तो मेरा नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं? 2,000 रुपए आदमी ने पैसा नहीं लिया।